मुजफ्फरनगर में विवाहिता ने पंखे से लटक कर दी जान, कमरे के बाहर से आत्महत्या का वीडियो बनाया। मृतकों के परिजनों ने दहेज के लिए प्रताड़ित और मारपीट करने का लगाया आरोप। शामली के कांधला इलाके में मामूली विवाद में भिड़े दो पक्ष, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और धारदार हथियार, 8 लोग गंभीर रूप से घायल, स्थानीय लोगों ने CHC में कराया भर्ती। बिजनौर में युवती के साथ जंगल में रेप, घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दो युवकों को किया गिरफ्तार। हेमकुंड साहिब में अब भी जमी है 8 फीट बर्फ, हेमकुंड पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम शुरू। सेना के 19 जवान बर्फ हटाने में जुटे, 13 और जवान बर्फ हटाने के लिए आएंगे। कोविड-19 की दवाओं और मास्क सैनिटाइजर की कालाबाजारी और स्टॉक होल्डिंग की सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट ने पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी भालोटिया मार्केट में मारा छापा, दुकानदारों को कालाबाजारी न करने की सख्त हिदायत। सोनभद्र में पंचायत चुनाव के चलते बैंकों में चालान जमा कराने को लेकर उमड़ी लोगों की भीड़, पंचायत चुनाव प्रत्याशियों की बड़ी भीड़, कोविड नियमों का उल्लंघन, सोनभद्र में 17 अप्रैल से नामांकन होगा शुरू। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन से पहले RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी, RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होने पर बिना दर्शन के लौटना पड़ेगा वापस, नगर मजिस्ट्रेट ने दिया आदेश। नवरात्र में लाखों की संख्या में आते हैं श्रद्धालु। ताजमहल के पश्चिमी गेट पर दुकान चलाने वाले लोगों का कहना है, हम पिछले साल की मंदी से अब तक उबर नहीं पाए थे, एक बार फिर से कोरोना ने उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा कर दिया है। जो गलियां गुलजार रहती थी आज वहां लगभग सन्नाटा है। मथुरा में विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में कोविड के नियमों का नहीं किया जा रहा पालन, भारी संख्या में बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ रही भीड़, श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के जा रहे मंदिर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों पर एक बार में 5 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति दी। अयोध्या में मुख्यमंत्री के आदेशों की खुलेआम उड़ी धज्जियां, हनुमानगढ़ी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कोविड-19 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते नजर आए, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। मुरादाबाद में सपा विधायक की बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग वाली भीड़ को संबोधित करते वीडियो वायरल, सैकड़ों लोग एक दूसरे से बिना मास्क लगाए सटकर बैठे नजर आए, पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की कही बात। मुख्यमंत्री ने कोरोना की रोकथाम के लिए बचाव और उपचार के दिए निर्देश, RT-PCR लैब्स की क्षमता बढ़ाने के निर्देश, मास्क पहने 2 गज की दूरी बनाने की भी अपील। धार्मिक स्थलों में 5 से ज्यादा लोग एक समय में ना जाएं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग के निर्देश, कैंसर संस्थान को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाने को कहा। कोरोना को लेकर एक्शन में सीएम योगी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम आवास पर की अहम बैठक, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर दिया जोर। कोरोना को लेकर सीएम योगी की ताबड़तोड़ बैठक, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम आवास पर ली मीटिंग, स्वास्थ्य मंत्री भी बैठक में रहे मौजूद। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन की खबरों का खंडन, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने किया खंडन, कहा सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलाई जा रही है, झूठी खबर फैलाने वालों पर सरकार मुकदमा दर्ज कराएगी। यूपी में थम नहीं रहा कोरोना का कहर, बढ़ते जा रहे मामले, बीते 24 घंटों में कोरोना के 13,685 नए मामले यूपी में आए सामने, लखनऊ में 24 घंटे में 3,892 संक्रमित मिले, प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 81,576। देश में कोरोना संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में 1,68,912 नए मामले सामने आए, कोरोना के पॉजिटिव केस हुए 1,35,27,717, एक दिन में 904 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम, कुल मौतें 1,70,179। देश में हर घंटे 7,038 नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं, वहीं हर मिनट 117 नए कोरोना मरीज जुड़ रहे हैं, जबकि हर घंटे 38 लोगों को कोरोना अपना शिकार बना रहा है।
24 घंटे में 75,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। अब तक 1,21,56,529 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। कुल एक्टिव केस 12,01,009 है। सीएम योगी ने डॉक्टरों को गंभीर मरीजों से संवाद करने के दिए निर्देश। आईसीयू से वर्चुअल संवाद करने के लिए कहा। निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल में बदलने के भी आदेश दिए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी हुए कोरोना पॉजिटिव। बुखार की वजह से नरेंद्र गिरी को 2 दिन पहले अस्पताल में कराया गया था भर्ती। सैंपल जांच में निकले कोरोना संक्रमित। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण पूरी तरह से बेकाबू। रविवार को रिकॉर्ड 63,294 नए मामले सामने आए। 349 लोगों की मौत। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 34,07,245। मौत का आंकड़ा 57,987। नाइट कर्फ्यू के पहले दिन गोरखपुर में 9 बजे के बाद से सड़क पर सन्नाटा पसर गया। हालांकि कुछ लोग नियमों को ताक पर रखकर परिवार के साथ घूमते रहे। पुलिसकर्मी माइक और स्पीकर लेकर लोगों को समझाते हुए दिखाई दिए। बाराबंकी में नगर पंचायत के कर्मचारियों ने सैनिटाइजेशन अभियान चलाया। पीपीई किट मास्क लगाकर सड़कों पर रात में निकले कर्मचारी। शहर में जगह जगह किया सैनिटाइजेशन। ग्रेटर नोएडा में बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर एसीपी और कासना कोतवाल ने बाजार में जागरूकता अभियान चलाया। लोगों को मास्क बांटे और कोविड 19 के नियमों के बारे में जानकारी दी। बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का दिखा अलग अंदाज। कार्यक्रम में चेता गाते नजर आए विधायक जी। विधायक की मौजूदगी में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। विधायक के साथ जुटी लोगों की भीड़। टिहरी के जिला अस्पताल बोराड़ी में लोग बड़ी संख्या में प्रतिदिन कोविड वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। सीएमओ ने कोविड वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक किया। अजीत सिंह हत्याकांड में आरोपी धनंजय सिंह को हाई कोर्ट से झटका। एफआईआर निरस्त करने और गिरफ्तार करने की याचिका हुई खारिज। जमानत पर जेल से छूटने के बाद से गायब है धनंजय सिंह। मेरठ में शहर काजी ने कहा धार्मिक स्थलों पर पाबंदी लगाना उचित नहीं है। मस्जिदों में कोरोना की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। प्रयागराज में कोरोना की रफ्तार तेज। एक दिन में 1,628 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। 24 घंटे में 8 कोरोना मरीजों की हुई मौत। एबीपी गंगा पर खबर का बड़ा असर। लखनऊ बैकुंठ धाम में शव के दाह संस्कार के लिए बनाए गए 20 नए प्लेटफॉर्म। 15 दिन में लगाई जाएंगी 5 नई इलेक्ट्रिक मशीनें। एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाई थी बैकुंठ धाम की बदतर तस्वीर। मुख्तार अंसारी को मंगलवार को कोर्ट में पेश होने के आदेश। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। गैंगस्टर एक्ट मामले में होनी है पेशी। बांदा जेल में बंद है गैंगस्टर मुख्तार अंसारी। सुप्रीम कोर्ट में कुरान से 26 आयतें हटाने की याचिका खारिज। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50,000 का जुर्माना लगाया। याचिका को आधारहीन बताया। पूर्व खनन मंत्री के राजदारों पर भी कसेगा शिकंजा। गायत्री प्रसाद प्रजापति के राजदारों पर होगी कार्रवाई। ईडी जल्द गायत्री के करीबियों के खिलाफ दाखिल करेगी चार्जशीट। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में पीएम मोदी ने की जनसभा। कहा 4 चरणों के चुनाव में टीएमसी साफ हो गई। खेला होबे कहने वालों के साथ ही खेला हो गया। चुनाव में आपने टीएमसी को साफ कर दिया। लखनऊ के सीएमएस स्कूल के सामने खड़ी एम्बुलेंस में लगी आग। वैन में वेल्डिंग कराने के दौरान हुआ हादसा। धू धू कर जलने लगी खड़ी वैन। सीएनजी सिलेंडर फटने से हुआ धमाका। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। इटावा के बकेवर इलाके में बेकाबू ट्रक का कहर। खड़ी कार में ट्रक ने मारी टक्कर। टायर पंचर होने पर खड़ी थी कार। दिल्ली से झांसी अपने घर वोट डालने जा रहे थे सभी लोग। हादसे में 3 लोग की मौत हो गई जबकि आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। हादसे के बाद पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। सुबह 4 बजे के आसपास हुआ हादसा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा सड़क हादसे पर जताया गहरा दुख, पीड़ितों की हर संभव मदद और घायलों का इलाज कराने के दिए निर्देश। जौनपुर के जलालपुर में कार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत, 2 की मौके पर ही मौत और तीसरे ने अस्पताल में तोड़ा दम। हादसे के बाद लोगों ने वाराणसी हाईवे जाम किया, पुलिस ने समझा बुझाकर सभी को हाईवे से हटाया। सिरकोनी बाजार के पास हुआ हादसा। फतेहपुर में NH2 पर तेज रफ्तार डंपर ने बस में मारी टक्कर, 1 दर्जन यात्री घायल, 5 की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। 35 यात्रियों को लेकर बबेरू से कानपुर जा रही थी बस। बागपत में स्पेयर पार्ट्स की दुकान में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। आग ने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में लिया। बड़ौद शहर के दिल्ली बस स्टैंड पर हुआ हादसा। आगरा के खेरागढ़ इलाके में चिंगारी से किसान के घर में लगी आग, आग से किसान का घर जलकर खाक, घर में रखा सारा सामान जला। फतेहपुर के NH2 पर दिल्ली से कोलकाता जा रहे ट्रांसपोर्ट के माल में अचानक आग लग गई। आग में 50 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। JCB से गेट तोड़कर आग बुझाई गई। पौड़ी जिले में नहीं थम रही वनाग्नि की घटनाएं। नैनी डांडा ब्लॉक में 3 मवेशी वनाग्नि की चपेट में आए, ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर पाया काबू। बागपत में पुलिस और तस्कर के बीच हुई मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश पैर में गोली लगने से घायल। गोकशी के कई मामलों में चल रहा था वांछित, 1 बाइक, 1 तमंचा, 2 कारतूस बरामद। बड़ा गांव चेकपोस्ट मुबारकपुर के पास हुई मुठभेड़। सिद्धार्थनगर में 70 लाख की चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। पंचायत चुनाव को लेकर पेट्रोलिंग के दौरान इंडो नेपाल बॉर्डर पर SSB ने की चेकिंग। NDPS एक्ट में शोहरतगढ़ पुलिस ने की कार्रवाई। आगरा में पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, 3 भट्टियों से 200 लीटर कच्ची शराब जब्त, लहन भी किया नष्ट। अछनेरा क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। बहराइच में नाबालिग के अपहरण और हत्या मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 12 घंटे के अंदर आरोपी को किया गिरफ्तार। ट्रैक्टर ड्राइवर ने घर छोड़ने के बहाने वारदात को दिया था अंजाम। हरिद्वार कुंभ में बैरागी अखाड़े ने किया शाही स्नान, हर की पैड़ी पर उमड़ा आस्था का सैलाब। हरिद्वार महाकुंभ में साधु संतों का भव्य स्वागत, आसमान से की गई पुष्प वर्षा, हेलीकॉप्टर से संतों पर बरसाए गए फूल। सोमवती अमावस्या के मौके पर हरिद्वार महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान, सुबह सुबह भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। दूसरे शाही स्नान की अद्भुत तस्वीरें ABP गंगा के कैमरे में कैद। सबसे पहले निरंजनी अखाड़े ने किया शाही स्नान, साधु संतों में दिखा खासा उत्साह। निरंजनी अखाड़े के बाद जूना अखाड़े के साधु संतों ने किया स्नान, हर की पैड़ी पहुँच कर की पूजा अर्चना, उसके बाद गंगा में स्नान किया। जूना अखाड़े के साथ अग्नि और आवाहन अखाड़ों ने भी शाही स्नान किया। इस दौरान हर की पैड़ी पर माहौल भक्तिमय हो गया, संतों ने भगवान के जय जयकारे भी लगाए। तीसरे नंबर पर हरिद्वार के कुंभ में शाही स्नान के लिए महानिर्वाणी अखाड़ा पहुंचा, महानिर्वाणी अखाड़े ने आस्था की डुबकी लगाई। शाही स्नान के लिए अखाड़े शहर भर में पेशवाई निकालकर हर की पैड़ी पहुंचे। तमाम साधु संत फूलों से सजे रथों पर बैठकर स्नान के लिए आए। पेशवाई के दौरान नागा बाबा सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहे। हरिद्वार महाकुंभ के दूसरे शाही स्नान में अपने क्रम के हिसाब से अखाड़ों ने किया स्नान। हर अखाड़े को स्नान के लिए करीब आधा घंटे का वक्त मिला। सुबह से अब तक करीब 9 लाख श्रद्धालुओं ने किया स्नान। 10:15 बजे से स्नान के लिए अखाड़ों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। साधु संतों को देखने के लिए भक्तों का तांता लग गया।
मौनी बाबा किसी अखाड़े से जुड़े नहीं हैं, इसलिए वो सुबह सुबह ही स्नान के लिए पहुंच गए और मां गंगा की पूजा अर्चना की। जूना अखाड़े के कुछ देर बाद किन्नर अखाड़े का काफिला स्नान के लिए निकला। किन्नर अखाड़े ने स्नान कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। सोनभद्र में 10 विकास खंडों में अधिकतर गांव में पानी की समस्या से लोग परेशान। गांव में लगे हैंडपंप ज्यादातर खराब, सिर्फ एक या दो हैंडपंप से आता है पानी। जंगल में जानवर अब भीषण गर्मी से प्यासे नहीं रहेंगे। वन विभाग पक्की हौद बनाकर उसमें पानी भर रहा है। फतेहपुर रेंज में 19 वाटर होल्स बनाए गए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि सितंबर तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर की नींव भरने का काम। नींव में 1 फीट की मोटी लेयर डालने के बाद चलाया जाएगा रोलर। 1 फीट में होगी 300 मिलीलीटर की लेयर। संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर आगरा में तैयारियां जोरों पर। आयोजन को लेकर कोलकाता के कारीगर दिन रात कर रहे हैं काम। रामलीला ग्राउंड में सज रही है भीम नगरी। कानपुर की जूही पुलिस का सराहनीय काम। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में ट्रेन छूट जाने के बाद पैदल घर लौट रहे भाई बहन को सरकारी जीप में बैठाकर रिश्तेदार के घर सुरक्षित पहुंचाया। विकासनगर के जौनसार बावल में बिस्सू पर्व की हुई शुरुआत। मोहना गांव में लोगों ने बुरांश के फूल लाकर मंदिर में चढ़ाए। आस्था और संगम का दिखा अद्भुत नजारा। श्रावस्ती में नाइट कर्फ्यू का हो रहा उल्लंघन। भाजपा नेता और प्रत्याशी रात 9 बजे के बाद लोगों से वोट मांगते नजर आए। चेहरे पर ना मास्क लगाया ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। कन्नौज में चुनावी रंजिश को लेकर फायरिंग। भाजपा नेता नीरज पांडे को मारी गई गोली। सपा प्रत्याशी पर हमले का आरोप। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। सदर कोतवाली के गुसाईदासपुर चौराहे के पास की घटना। लखीमपुर खीरी में 2 प्रधान पद के प्रत्याशी को 1 चुनाव निशान मिलने से हड़कंप। दोनों को किताब का चुनाव निशान दे दिया गया। बाद में 1 प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह बदल कर कार दिया गया। झांसी के मौरानीपुर तहसील क्षेत्र के निमोनी गांव में वोटरों को बांटी जा रही साड़ियां। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। औरैया जिले के डीएम और एसपी ने अति संवेदनशील बूथों का जायजा लिया। संभावित प्रत्याशियों को बुलाकर कोविड गाइडलाइन के पालन करने की बात कही। मुजफ्फरनगर के पिन्ना गांव की समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। सबसे बड़ी समस्या नाले की गंदगी और टूटी जर्जर सड़कें हैं, जिन्हें आज तक कोई प्रधान नहीं सही कर पाया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बर्धमान के दलित साई सेंटर में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने 4 चरण के चुनाव में दीदी के प्लान को फेल कर दिया और अब उनकी पारी खत्म हो चुकी है। जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, बर्धमान की 2 चीजें बहुत मशहूर हैं। एक तो यहाँ का चावल और दूसरा मिहदाना। आपकी बोली, आपका व्यवहार, यहाँ का खान पान, हर चीज में भरपूर मिठास है। उन्होंने कहा, दीदी की कड़वाहट, उनका क्रोध, उनकी बौखलाहट बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि आधे चुनाव में ही टीएमसी पूरी साफ हो चुकी है। पीएम मोदी ने कहा, 4 चरणों के चुनाव में बंगाल की जागरूक जनता ने इतने चौके छक्के मारे कि भाजपा की सीटों की सेंचुरी हो गई है। जो आपके साथ खेला करने की सोच रहे थे, उन्हीं के साथ खेला हो गया है। पीएम मोदी ने कहा, दीदी को यह मालूम है कि एक बार बंगाल से कांग्रेस गई तो कभी वापसी नहीं कर पाई। वामपंथी वाले, लेफ्ट वाले वापस नहीं आए। दीदी, आप भी एक बार गई तो कभी वापस नहीं आएंगी। एक्ट्रेस महिमा चौधरी भी अब बीजेपी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने उतरी हैं। उन्होंने सोमवार सुबह लेक टाउन एरिया में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार को ज्वाइन किया। महिमा यहां से बीजेपी कैंडिडेट सब्यसाची दत्ता के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। उन्होंने लोगों से सब्यसाची को वोट देने की अपील की।
सोमवार को सप्ताह के पहले कारोबारी दिन लाल निशान पर खुला शेयर बाजार। कोरोना के बढ़ते मामलों का दिखा असर, 1708 अंकों की भारी गिरावट के साथ 47,883 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 554 अंक लुढ़क कर 14,310 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग, निवेशकों के डूबे करोड़ों रुपए। बारह अप्रैल को सोने चांदी के रेट में मामूली गिरावट, 24 कैरेट सोना 71 रुपए प्रति 10 ग्राम नीचे खुला, 46,375 पर पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड का भाव। वहीं चांदी के भाव महज 76 रुपए प्रति किलो की मामूली गिरावट के साथ 66,854 पर पहुंचे। 23 कैरेट सोना 46,189 रुपए, 22 कैरेट गोल्ड 42,480 रुपए पर पहुंचा। जानवी कपूर को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर जाते हुए स्पॉट किया गया। वैकेशन मनाकर लौटी जानवी कपूर इस दौरान बेहद बिंदास अंदाज में दिखाई दी। रिप जीन्स और क्रॉप टॉप के साथ जानवी के जूते भी फैंस को काफी पसंद आ रहे हैं। अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि अभिनेता घर आ चुके हैं और सब ठीक है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि अक्षय कुमार को घर पर देखकर सभी लोग खुश हैं। अक्षय कुमार रविवार को हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। गोविंदा कुछ दिनों पहले ही कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं। फैंस लगातार उनके लिए दुआएं कर रहे थे। मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे गोविंदा के साथ उनकी पत्नी सुनीता भी नजर आईं। गोविंदा ने ये भी बताया कि होम क्वारंटीन के दौरान उन्होंने कई किताबें पढ़ी और फिल्में देखी। गोविंदा ने RT-PCR टेस्ट के साथ साथ CT स्कैन भी करवाया। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान एक नए कुकिंग शो में नजर आएंगी। इसकी एक झलक एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए भी दे दी है। करीना कपूर खान ने इंस्टाग्राम पर अपने नए कुकिंग शो स्टार वर्सेस फूड के एक टीजर क्लिप को शेयर किया, जिसमें वो कुकिंग में हाथ आजमाती नजर आ रही हैं। उनके अलावा मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर भी नजर आ रहे हैं। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने MAMI मुंबई अकेडमी ऑफ मूविंग इमेज के चेयरपर्सन पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी अनाउंसमेंट की। दीपिका ने बताया कि उन्होंने इस पद से इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि वो ट्रस्ट को पूरी तरह से अटेंशन नहीं दे पा रही थी।